यह विकास नगर का टाटा मोटर शोरूम जो कि बाबूगढ़ में पड़ता है। यहाँ से एक गाड़ी ली गई है, वो है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले गाड़ी। यह है टाटा टिगोर की गाड़ी, जैसा कि आप देख ही रहे हो। इस गाड़ी में क्या सीन है, पहले मैं आपको किलोमीटर दिखा दूँ कितने किलोमीटर ये चली हुई है। पहले आप ये देख लो, इसमें आपको दिख जाएगा कितने किलोमीटर चली हुई है। जल्दी आ जा भाई, ये देख लो 2531 किलोमीटर ये गाड़ी चल रखी है। और इस गाड़ी में शिकायत क्या है, ये पूरा का पूरा पैनल पेंट है, ये पूरा पेंट है और ये पूरा पेंट है। अब आप ये देख लो, ये पूरी की पूरी गाड़ी, एक सेकंड इसकी हॉर्न बजने लग गया, बंद करूँगा। ये पूरी की पूरी गाड़ी पेंट है और ये, जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, इसको गाड़ी को लिए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन हुए हैं और ये गलती बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास, हम इतना चेक नहीं करते, ऐसा वैसा फलाना ढिंकाना इनसे बात हुई है। ये कह रहे हैं देहरादून लेके जाओ उसे टाटा ओबराय मोटर्स में, वहाँ बताएंगे। अब वहाँ ले जाने का सीन क्या बनता है, जब गाड़ी यहाँ से ली है तो यही तो सारी चीज़ें बताएंगे। अभी ये बताते हैं कैसे क्या है, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ये पूरा पैनल पेंट है, ये पूरा पैनल पेंट है, ये पूरा पैनल पेंट है। और एक चीज़ और जो कि मैंने आपको बताई नहीं, जो कि मेरे को अभी पता लगी गाड़ी ओनर से, गाड़ी ओनर एक्चुअली मेरे फ्रेंड है एक तरह से यूँ सोच लो। इसमें ये देखो नई गाड़ी है, ठीक है, 2500 किलोमीटर से चली हुई, मैंने आपको बताया, पहले से ऑन कर लेते हैं। अब ये देखो नई गाड़ी में ये अभी एक्चुअली हट रखा, इंजन चेक की लाइट आ रही है, ठीक है, और ABS का पैनल आ रहा था वो, कि जो कि अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा है, बट जैसी गाड़ी रनिंग होगी इसमें ABS का निशान दिखाता है। ABS का निशान दिखाने का मतलब क्या है, मेरे ये समझ नहीं आ रहा, नई गाड़ी में ABS का निशान। और इसके वाइपर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी चला सकता हूँ या नहीं पता नहीं, ये ख़राब हो जाएंगे। इसका वाइपर नहीं चल रहा, मतलब जो ऑटो पे चलता है ना, एक बार टर्न होता है फिर एक बार यूँ जाता है, एक बार टर्न होता है फिर एक बार यूँ जाता है, वो नहीं चल रहा इसका। अब नई गाड़ी में अगर टाटा की ये दिक्कत आएगी तो फिर फ़ायदा क्या, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा टाटा की गाड़ी लेने का। कुछ है पीस इसमें पेंट बताओ मुझे कौन सा पीस, ये दरवाजा पेंट है, नीचे बम्पर पेंट है इसका, बम्पर पेंट है, हाँ, ये दरवाजा पेंट है इसका, पेंट तो साफ ही पता लग जाता है यार, हमें ना इस चीज का तो पता नहीं। आपके हिसाब से आपको देख के क्या लगा, अभी मुझे तो नहीं लगा पेंट नहीं है नहीं। आओ छाए में दिखाऊं आपको, आगे देख जाने साहब, आ जाओ भाई जी, आप देखो एक सेकंड यहाँ फिनिशिंग देखो आप जरा, अच्छा ठीक है, यहाँ बम्पर कपड़ा उठा के ला, पता क्या, यहाँ बम्पर पे फिनिशिंग देखो आप पहले, ये पूरा पीस पेंट है, ये पूरा पीस पेंट है, ये पेंट है, ये कोई भी बता देगा, ये देखो ना आप यहाँ से, ये देखो दाने आ रहे हैं, तो दाने आ रहे हैं ना, तो दाने आने का मतलब तो वही है पेंट है, ये कहाँ से आ रहे हैं, दाने आने का मतलब तो वही है ना कि पेंट है इस पे। आप यहाँ, आप यहाँ से साइड से ये साइड देखो, दिख रही है आपको, और कहीं साइड देख लो, और तो नहीं है कहीं भी, ये पेंट अलग से दिखी है, ये पेंट ही अलग है, नई गाड़ी पे पेंट करके दे रखा है, उधर नहीं है उसमें, उधर कहीं भी नहीं है, किसी भी चीज पे नहीं है, ना इधर है ना इधर है ना इधर है, उधर ही है बस। अरे कोई भी बच्चा बच्चा बता लगाए हो, वो तो इन्होंने पहली बार गाड़ी ली, इनको पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है इनको, इन्होंने चेक नहीं करी, इन्होंने अंदाजा नहीं है, उन्होंने चेक नहीं करी, उन्हें पता ही नहीं है, वो तो हमने देखा, हमें भी नहीं पता। अरे यार भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, आप कंपनी में हो, आपको नहीं पता कि पेंटेड गाड़ी कैसी होती है नहीं होती है, आप ये बताओ। अच्छा आपको ये पता ही नहीं पेंटेड गाड़ी और नॉन पेंटेड गाड़ी में क्या फर्क होता है, हमें इस चीज का पता नहीं है, हमें तो खाली सेल्स का मालूम है, पता कि पेंट वेंट का जो है क्या, यहाँ तो होता होगा पेंट, यहाँ पर नहीं है ना, कोई मैकेनिक तो होगा, मैकेनिक को बुलाओ, मैकेनिक से पूछो, मैकेनिक को बुलाओ, हटिया से सामने से, जिस दिन आपको फोन करा, जब आपको फोन कर रहे थे तब की बात है, जिस दिन आपको फोन करा था, वो विशाल है ना, उनको भी हमने बोली थी, उनको बुला के पूछ लिया, ये देखो जी आपको पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा पीस पेंट है गाड़ी का, ये टाटा टिगोर गाड़ी है और अभी ये हाल फिलहाल कितने दिन होंगे उसे, 15-20 दिन होंगे, 15-20 दिन हुए हैं और ये मात्र 2-3 हज़ार किलोमीटर चली है बस। ये पूरा बम्पर पेंट है, ये पूरा फेंडर पेंट है, ये पूरा दरवाजा पेंट है,
अभी देख लो टाटा वाले क्या काम कर रहे हैं, और गाड़ी कहीं पेंट नहीं है, पर इसका पेंट होने का मतलब क्या कि ये गाड़ी लगी हुई है कहीं ना कहीं। भाई पेंट है इस गाड़ी पे, तो किसी को भी दिख जाएगा यार, किसी को भी यहाँ से देखो आप, साफ पता लग रहा है। ये देखना यहाँ तक, नई गाड़ी में ऐसा थोड़ी होता है कोई। अब क्या हो सकता है इसका, गाड़ी देहरादून ले जाओ फिर। है देहरादून वाले फिर बोलेंगे जहाँ से गाड़ी ले वहाँ, तो ओबराय मोटर से गाड़ी लिया। आप उनसे बात करो ना फोन पे, मैंने आपको बोला था ना आप उनसे बात करो, मैंने आपको बार बार ये बोला था आप उनसे बात करो। आपने मुझे वाइपर का कहा था, नहीं नहीं ईवीएस का, मैंने आपको ये बोला था ना आप उनसे बात करो। वो कहा हमने नहीं दी है, नहीं मैंने आपको वो कहा इसलिए कि अगर हम फोन पे चीज बताते ना, फोन पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे ट्रस्ट, अरे हाँ ऐसे कैसे दे दी हमने गाड़ी, इसलिए हम गाड़ी खुद सामने लेके आए। अगर हम फोन पे बताते कोई भी यकीन नहीं करता, चाहे मैं भी कंपनी में होता ना, मैं भी यकीन नहीं करता कि इस गाड़ी पे पेंट है या नहीं है। ये वाली किनारी का ये तो साफ दिख रही, पूरी दाने में जा रही है वाली लाइन। अब आप उस तरफ देखो, उस तरफ नहीं दिखेगा। अरे उस तरफ क्यों दिखेगा, लगी तो इधर साइड से है ना, उधर उधर नहीं, आगे भी पेंट है लेकिन यहां से साथ चला जाता। अब मैं आपके बात समझ गया, आप मुझे एक चीज बताओ, इंसान अगर जो गाड़ी ले होगा तो हेड ऑफ से ना जो होगा तो वो आपके बात करने से भी तो होगा नहीं होगा। बात करिए ना। हाँ क्या बात करिए, क्या गाड़ी हम एक हम देख लेंगे क्या ऐसा होने। दूर से चाबी दे दो उनको, नहीं आप साथ जाओगे, जाओगे साथ। अब बताओ आप जाओ, आप जाओ कोई भी जाए, फिर वही बात वहाँ जाने वाली बात, जाने समय टाइम खराब होगा उसका, कैसा बच्चे भी बताओ। आप जहाँ भी जॉब करते हो कुछ भी करते हो, हाँ सब चीज ब्रांच से होता है कुछ, हाँ ब्रांच होता है कुछ, क्या चीज कोई भी काम ब्रांच होता है। आपके यहाँ रिपेयरिंग नहीं होती गाड़ी की, पेंट का काम नहीं है, हमने आपसे गाड़ी ले ली तो हम तो आपको जानते हैं, हम तो पहले आपको बोलेंगे ठीक है। बात बाबा मैं आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात बोलेंगे, आप गाड़ी है वो सब चीज करेंगे, इसलिए कि होगा तो सबकी कोई आपकी बात गाड़ी में अच्छा कोई आ जाए बैटरी का क्लेम आ जाए ठीक है, या टायर का क्लेम आ जाए गाड़ी फिर होगा क्लेम का हम दे रहे नहीं। यहाँ पे जब ऐसी सुविधाएं नहीं है, दिक्कत परेशानी है, यहाँ से गाड़ी लेने का फिर मतलब ही क्या है, फिर तो गाड़ी वहीं से लो, इससे बढ़िया तो क्लेम मिले तब भी देर हम जाओगे। अरे बात फिर तब भी तो हमें वहीं जाना, लेकिन हमें गाड़ी भी तो वहीं से मिलती, तब हमें पता था कि वही एक ठिकाना वहीं जाना पड़ेगा, हम यहाँ नहीं आते भी। अच्छा कल को गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है खुदा ना खास्ता, तो हम गाड़ी खुद वहाँ भिजवाएंगे? नहीं टोल फ्री नंबर पे तो आ रहा क्यों, गाड़ी यहाँ नहीं आएगी, यहाँ से कौन भिजवाएगा, यहाँ से कौन भिजवाएगा, से गाड़ी जाएगी। मैं आपकी बात समझ गया, हम तो यहाँ भिजवाएंगे ना गाड़ी, यहाँ से गाड़ी देहरादून नहीं जाएगी, यहाँ नहीं आएगी गाड़ी, यहाँ नहीं आएगी, पहले बतानी चाहिए थी भैया यहाँ पे इसका गाड़ी कुछ नहीं होना, आप देहरादून से ले लो गाड़ी, हम देहरादून से ले लेते हैं। इतनी बड़ी बात हो रही है, आज तक कभी किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि 18 तारीख को जानी है गाड़ी आपकी ठीक है, लेकिन आपको पता है ना हमने किस वजह से गाड़ी ली, कि आपसे बात चल रही थी हमारी, इसलिए आपसे गाड़ी ली हमने, मैं आपकी बात ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि अब जाना तो वही पड़ेगा, तो उसका खर्चा कौन देगा ये बताओ ना मुझे, उसका खर्चा कौन देगा। आप तो कल को वहाँ वाले बोल देंगे भैया गुजरात जा रही है गाड़ी, तो वहाँ से हो गया हम गुजरात जाएंगे कैसे जाएंगे, कितना खर्चा आ जाएगा, आप दे रहे हो समय का क्या, समय समय भी तो है ना, समय तो निकालना पड़ता है। समय अब एक बार बताओ, अब नई चीज खरीदी सारी चीज करी हम सब उसके लिए फालतू में समय निकाल लेंगे यार, क्या पाएगा आप खुद देखो, आपने अच्छी चीज ली होती तो आपको भी लगता कि हाँ यार गलत है, पेंट पेंट तो इसी चीज में होगा ना, यहाँ पे पेंट तब होगा जब ये टूटेगी या खराब होगी तभी तो पेंट करेंगे, इसमें जितना बहुत होता था वो तो पूरा दरवाजे में ही हो रखा, उस बात को आप भी तो समझो। अब यहाँ से जाना है एक समय, वहां पे से कोई और बात हो जानी कि वहां पे से ही वहां पे जाओ वहां पे बात करो,
फिर वहां से आगे बात करो, इस तरह थोड़ी बात हो रही तो वही हो जाएगी। आप चलो साथ में, नहीं आप चलो, मैं थोड़ी चल रहा हूँ आपसे, ये जा रहा है आपके साथ, जा रहा है आपके साथ। अरे नहीं नहीं, अरे आप खुद भी समझो ना, वहाँ पे जाके हमें समय लग जाए, हमारे पास भी इतना समय नहीं कि उन्हें भी समझाए यही बात, और यही बात आपको समझाए, आप नहीं समझे, समझाते रहेंगे ये समझाएगा आप, तो भी बात करने आप नहीं, आप बोल दो, आप अपना उन्हें फोन करके बोल दो कि भाई यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे आओ, आपने यहाँ से गाड़ी ली है, यहाँ पे आओ, यहाँ से गाड़ी ली है, यहाँ पे आके बात करो आप। आप दिक्कत तो हमारी वहीं क्लियर होनी चाहिए ना जहाँ से हम चल रहे हैं। वहाँ का नंबर दोगे किसी का? हेलो गोसाई जी, बात कर रहे हो? गोसाई जी, मेरे को ये बात करनी थी आपसे कि ये विकास नगर ब्रांच से आपके टाटा मोटर से गाड़ी ली गई थी, टाटा टिगोर। ये गाड़ी पेंटेड है सर, पिछला दरवाज़ा, इसका पिछला फेंडर, इसका पिछला बम्पर। हाँ जी, मेरे को विकास नगर ब्रांच से आपका नंबर दिया गया है कि गोसाई जी से बात कर लीजिए। पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, अगर मैंने विकास नगर से गाड़ी ली है तो ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन के लिए देहरादून जाना पड़ेगा, तो फिर मैं देहरादून से गाड़ी ले लेता ना, मैं विकास नगर से गाड़ी क्यों लेता? हाँ जी, हाँ मैं बात करा रहा हूँ आपकी, एक सेकेंड, क्योंकि ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, इंसान अपने नियर बाय से गाड़ी खरीदेगा, देहरादून थोड़ी जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी होगी उसमें? देखो सर, चाहने वाली बात तो बात की है, पहले तो बात ये है ना कि झूठ क्यों बोला गया, अगर गाड़ी पेंटेड हो तो पहले बताओ ना, इससे बढ़िया तुम सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते, है नहीं, मान दो ना इस चीज़ को। लो सर बात करो, जिन्होंने नंबर दिया करो बात। हेलो, स्पीकर पे था वो भाई। हेलो, हाँ जी सर, ये स्पीकर पे हैं, क्या करो आप? ये कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी जो है पेंट हो गई, खिड़की विंडो पेंट हो गया, ये कह रहे हैं कि विंडो चेंज। हाँ जी, मैं वही कहा, मैंने कहा आप देहरादून चलो, देहरादून जाके वहाँ दिखा लो गाड़ी, सारे चेंज हो गए इसका, नई की कर लो, नई बताओ। तो अब कैसे, तो कैसे करना चाहिए, है ना किसी का बेच रहा है, पता तो कर लो है कितना उसका। हेलो हेलो, तो बंद कर दो, 9 8 9 7 6 3 7 3 7 9 6। हेलो, कट गया फोन, नहीं किया, पूरा नाम नहीं पता, आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो भाई? ये शोरूम है, ये हमारी गाड़ी है, इस बंदे ने हमें गाड़ी बेची है, और वो है जो होगा मैनेजर होगा या जो भी एक्स वाई जेड, ये लोग हैं। आप समझ लो इसमें क्या केस, क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो यूँ बोल रहा है, हम तो यूँ कहते हैं कि गाड़ी आपसे लगी है, तो 2500 किलोमीटर गाड़ी चली है ये, है, और ये उल्टा हमें धमकी दे रहे हैं कि हम यूँ बोल देंगे कि गाड़ी आपसे लगी है, आप पेंट करवा के लाओ। अरे हम बेवकूफ़ हैं, हम तो बेवकूफ़ हैं ना, जो हम पेंट करवाएंगे इस पर, हम इंश्योरेंस में थोड़ी करवा लेंगे इसे, जब अगर हमसे लगेगी तो हम तो बाहर से पेंट करा के ले आएंगे इस पर, हमने इंश्योरेंस के फालतू में 40-45 हज़ार रुपये भरे हैं ना हमने तो इंश्योरेंस के, जो हम फूंक देंगे अपने, भाई हमसे लगेगी तो हम पेंट करा के नहीं लाएंगे, हम इंश्योरेंस में ना करा लेंगे गाड़ी, हम क्यों पेंट करा के यहाँ लेके आएंगे भाई, और हमें धमकी दे रहे हैं उल्टा, यूँ कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हो सकता, देहरादून चले गए, देहरादून जाने का क्या मतलब होता है, तो गाड़ी हमने यहाँ से ली है तो हम शिकायत भी तो यहीं करेंगे ना, यूँ कह रहे हैं देहरादून होगा जो भी होगा, तो फिर हम देहरादून से गाड़ी ना खरीदे तो यहाँ से गाड़ी खरीदने का मतलब क्या हमारा? अब देखते हैं क्या कहते हैं। आप अपनी गलती की, आप अपनी गलती नहीं मानना चाह रहे, आप तो उल्टी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे, कोई नहीं मेल डाल दो, आप गाड़ी चेंज करके दो, आपने डैमेज गाड़ी दे रखी है, गाड़ी चेंज तो हो नहीं सकती, तो आपने देख लिया उसमें पेंट हो रखा, पेंट खिड़की है, पेंट पेंट है ना, तो फिर वो कैसे हो सर, बम्पर भी है उसका, आप देखो तो पेंट है,
आप अपने सर है, आओ देखो आप, बम्पर भी और फेंडर भी, ये जो साइड वाला फेंडर है ना और बम्पर भी पेंट है। आप विश्वास, हाँ यहाँ से अब दोबारा छाए में खड़ी करो, यहाँ से बम्पर पेंट है सर ये। नहीं सच में आपने देखो, अपने मैकेनिक को बुला के पूछ लो, बुलाया तो पेंटर यहाँ नहीं आया। मेरी बात नहीं आगे, मैं क्या करूँ, हम बुला देते हैं मैकेनिक होगा तो क्लेम दोगे। अरे मैकेनिक के आने का देहरादून नहीं, देहरादून से कैसे क्लेम हो जाएगा जब आपसे ले रहा है, उन्होंने साफ मना कर दिया हमें नंबर पर। मैकेनिक के आने का मतलब ही नहीं है, पेंट चेक करने वाली मशीन आती है। हाँ? जब हम गाड़ी बेचते हैं ना, खुद बताए थे कितना परसेंट पेंट है कितना परसेंट पेंट नहीं है, उससे कुछ चेक हो जाएगा। कोई मजाक थोड़ी हो रहा है, आप देखो ना, बम्पर पेंट है, फेंडर पेंट है, दरवाजा पेंट है, तीनों चीजें तो पेंट है इसकी, पता नहीं कहाँ देके मारी होगी। आप देखो एक छाव में, देखो यहाँ से, इधर से आओ, यहाँ से छाव में खड़े हो और अपनी परछाई पे देखो, देखो आप, अरे पूरी बबल बन रहे हैं उसमें, पूरी लहर बन रही है नए पेंट में। देखो ये होता है नया पेंट, इसमें छाए हैं, देखो इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे इन्होंने गौर नहीं करा, मेरा टैक्सी का काम है, 6 गाड़ियाँ हैं मेरे पे और आज भी मैं और बुक करवा के आ रहा हूँ, मुझे पता है गाड़ी कहाँ पेंट है कहाँ पेंट है, अब ऐसे पता नहीं और लोगों ने देखा नहीं देखा, पता है नहीं पता है उन्हें, इन्हें क्या पता, हमें तो पता है गाड़ी पेंट है। इससे सस्ती मिलती, अगर पुरानी गाड़ी चलानी होती, पेंटेड पेंटेड चलानी होती तो इंसान सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता, नई गाड़ी पैसे नहीं होता। अब इसमें आप पूछो सॉल्यूशन क्या है, सीट कवर दे दे या ये दे दे, अरे 5-10 हज़ार रुपए के लिए पीछे मर रहे हैं हम। बात तो फीलिंग्स की है ना, किसी इंसान ने कैसे जोड़ के कैसे इकट्ठे करके पैसों से गाड़ी ली अपनी, 5-10 हज़ार का कवर लेने के लिए थोड़ी पहुंच रखा है, भिखारी थोड़ी है कोई अगला इंसान। भाई फिलहाल गाड़ी इनको दे दी और ये सामान हमारा सारा पड़ा हुआ है, ये देख लो, ये सारी चीज़ें हमारी गाड़ी में पड़ी हुई है, चार्जर लगा हुआ है हमारा, ये कुत्ता पड़ा हुआ है हमारा, कहाँ है कागज ले लिए, ये रे कागज, कागज निकाल लेते हैं बस हम अपने, बस और कुछ नहीं चाहिए, कागज ले लिया हमने अपने, गाड़ी यहीं छोड़ रहे हैं हम, चाबी इन्होंने ले ली। भाई गाड़ी यहीं छोड़ दिया टाटा मोटर्स पे और हमने अपने गाड़ी के कागज निकाल लिया और हम अपनी बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी यहीं छोड़ दिया, सॉल्यूशन कुछ बताएंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं, ऐसे नहीं पूछेंगे वैसे ही, कहां से नंबर मिला ऐसे करना सर, आप कैसे करना आप बताओ। तो हम कैसे पूछेंगे भैया उनसे क्या करना, वो तो हमसे ही बोलेंगे क्या करना है। नहीं नहीं आप उनको ये कहना कि सर हमने गाड़ी ली थी और इस गाड़ी पे जो है ये और का है, गाड़ी हमने शोरूम पे खड़ी कर दी, ठीक है, अब वो बता दूं मैं जो भी कंडीशन है, है ना। अच्छा नंबर किसका है, नंबर किसका है, क्या नाम बताया आपने, नंबर किसका है, नाम क्या है इनका, इनका नाम है नॉटिकल, नॉटिकल मतलब है क्या, ये जीएम है, मैनेजर, जीएम जीएम है, हां ओब्राय मोटर्स के जीएम है, हां ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हां जी सर नमस्कार, जीएम बात कर रहा हूं, नमस्कार सर, टाटा मोटर से ये जीएम बात कर रहे हैं जी, सर सर ये मैंने विकास नगर से ना यहाँ पे आपके शोरूम से एक गाड़ी निकाली थी टिगोर, अच्छा हाँ, और ये मुझको लगता है ये डैमेज गाड़ी है और नई गाड़ी निकाली थी, अभी 30 दिन हुए हैं, ये पेंटेड गाड़ी है, पेंट हो रखा है इसमें ऊपर से, पेंटेड हो रखी ना सर, पेंट दोबारा पेंट हो रखा है ना उसमें, सर आप चेक कर लीजिए, मैं तो आपके शोरूम पे छोड़े आया हूँ गाड़ी, सुबह से छोड़ रखी है, तो मैंने क्या चेक करनी है, चलो कल वो मैनेजर आ रहा है वो चेक कर लेगा वहाँ पे, अच्छा ठीक है, ऐसे एक्चुअली में ना डैमेज नहीं होती, आप डैमेज सब कर ही मत करो, क्योंकि जब गाड़ियाँ आती हैं उसमें इसमें
ट्रेलर में। अच्छा हल्का फुल्का अगर स्क्रैच लग गया तो स्क्रैच भी लगेगा तो सर फेंडर पे, साइड वाले डोर पे और पीछे बम्पर पे, इतना बड़ा स्क्रैच थोड़ी लग जाएगा। और सर स्क्रैच लगेगा भी तो फिर हम क्यों पेंटेड गाड़ी लेंगे, हम तो नई गाड़ी के पैसे दे रहे हैं ना जो कंपनी पेंटर आता है। अगर ऐसे पेंट होगी तो फिर हम तो सेकंड हैंड गाड़ी भी ले लेंगे ना सर। नहीं देखो वो तो मुझे भी पता। देखो सर आप लोग सेकंड हैंड गाड़ी तो बेच नहीं सकते है ना, आपके पास तो फर्स्ट न्यू गाड़ी की वो होती है ऑथराइज। पर सर पेंट गाड़ी हम भी क्यों लेंगे, हमने भी तो पैसे दिए ना। मेन चीज ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेंट गाड़ी दे रहे थे तो सारी चीजें बताते। अब ये गाड़ी धुली है दो एक बार। हाँ जी दिख रही है, मैंने आपके वहाँ टाटा मोटर्स विकास नगर दिखाई, वो मान गए कि हाँ इस पे दरवाजे पे पेंट हो रखा है, बम्पर पे पेंट हो रखा है। किसको दिखाई आपने? क्या नाम था उनका? नहीं डेंटर को नहीं दिखाई, जो टाटा मोटर्स में जिसके पास आपने ऑथराइज डीलरशिप दे रखी है उनको, जो सेल्स मैनेजर है। हाँ जी आपके यहाँ विकास नगर में पेंटर है ही नहीं कोई, किसे दिखाए बताओ? अरे सर साफ दिख रही है वो तो, जो आपके सेल्स एम्प्लॉय हैं उन्होंने देख के बता दिया कि हाँ पेंट है गाड़ी। सर आप मेरे से कितने की शर्त लगोगे अगर मैं आपको पेंट का प्रूफ दे दूं, अगर उसको मैं पेंट ऑथराइज्ड चेक करवा लूं? कहाँ पे मैनेजर आएगा? विकास नगर। ठीक है किस टाइम तक आएंगे सर? वो फोन ही काट दिया बेवकूफ ने, पकड़े से रिकॉर्डिंग तो हो गई।